नमस्कार, मैं पल्लवी, आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक को आज के दिन किया गया था लॉन्च। दुनिया को बदलने वाली सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक को 4 फरवरी 2004 को लॉन्च किया गया था। इसकी शुरुआत हार्वर्ड के छात्र मार्क जुकरबर्ग ने की थी। तब इसका नाम द फेसबुक था। पहले कॉलेज और कुछ महीनों में यह नेटवर्किंग साइट पूरे यूरोप में लोकप्रिय हो गई थी। अगस्त 2005 में इसका नाम द फेसबुक के स्थान पर फेसबुक कर दिया गया था। फेसबुक में अन्य भाषाओं के साथ हिंदी में भी कार्य करने की सुविधा है। आज के दिन देश का पहला पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया गया था, एर्नाकुलम। 4 फरवरी 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एर्नाकुलम को देश का पहला पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया था। यूनेस्को के नियम के अनुसार अगर 90% जनसंख्या साक्षर है तो उसे पूर्ण साक्षर मान लिया जाता है। एर्नाकुलम शब्द की उत्पत्ति तमिल शब्द के एरायनरकुलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ शिव का निवास होता है। एर्नाकुलम जिले का गठन 1958 में हुआ था। चावटी नाटकोम एर्नाकुलम का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य रूप है। गॉड पार्टिकल की खोज में शामिल रहे सत्येंद्रनाथ बोस का आज के दिन हुआ था निधन। भारतीय गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री सत्येंद्रनाथ बोस का निधन 4 फरवरी 1974 को कोलकाता में हुआ था। भौतिक शास्त्र के दो प्रकार के अणु बोसान और फर्मियान में से बोसान का नाम सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर रखा गया है। सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टाइन ने मिलकर बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स की खोज की थी। बोस द्वारा प्लैंक्स लॉ एंड लाइट क्वांटम नाम से लिखे लेख का आइंस्टाइन ने जर्मनी में अनुवाद कर प्रकाशित किया था। इससे सत्येंद्रनाथ को बहुत प्रसिद्धि मिली और भारत सरकार ने सत्येंद्रनाथ बोस को पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। श्रीलंका को ब्रिटेन से आज के दिन मिली थी आजादी। श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय दिवस के रूप में हर वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। 1948 में ब्रिटिश शासन से श्रीलंका को 4 फरवरी के दिन आज़ादी मिली थी। 4 फरवरी को श्रीलंका में ध्वजारोहण समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, परेड आदि का आयोजन किया जाता है। श्रीलंका का स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ादी पाने और स्वशासन स्थापित करने के लिए लड़ा गया था। यह शांतिपूर्ण राजनीतिक आंदोलन 20वीं शताब्दी के आरंभिक दिनों में शुरू हुआ था। इसका नेतृत्व शिक्षित मध्यम वर्ग ने किया था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी द्वारा 4 फरवरी दिन बृहस्पतिवार। आज का विषय है ज्ञान विद्या। मेष, आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 75%। सितारे आपके साथ हैं। करियर के लिए समय अच्छा है। पद एवं सम्मान में वृद्धि होगी। प्रोफेशनली आपकी स्थिति सामान्य रहेगी। आपके शत्रु पराजित होंगे। ऋण भार से मुक्ति मिलेगी। पराक्रम एवं उत्साह में वृद्धि के योग है। शुभ रंग सिंदूरी पीला तथा निषेध रंग हरा व नीला। वृष, आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 50%। समय उत्तम है। जीवन में सुख शांति बढ़ेगी। प्रॉपर्टी के मामलों में फायदा होने के योग हैं। आपके ज्ञान विद्या के लिए प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए बेहतरीन समय। पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति के योग हैं। शुभ रंग सफेद बसंती तथा निषेध रंग जामनी व काला। मिथुन, आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 53%। व्यापार से जुड़े फैसले भावनाओं में बहकर ना लें। आपके व्यर्थ के विवाद संबंधों में कटुता का कारण बन सकते हैं। निराशा एवं नकारात्मक सोच से मुक्ति के योग हैं। शुभ रंग हल्का हरा धानी तथा निषेध रंग सिंदूरी। कर्क, आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 75%। मांगलिक कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। समय आपके अनुकूल है। नौकरी में आपकी पहचान पर थोड़ी धूल पड़ सकती है। कार्यों में रुकावटों के योग हैं। शुभ रंग पीला सफेद तथा निषेध रंग हरा काला। सिंह, आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 78%। उत्साह एवं पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। शीघ्र ही समस्याओं का निस्तारण होगा। कोई भी निर्णय लेने से पहले परिजनों में किसी अथरंग अथवा विश्वास पात्र व्यक्ति की सलाह लेना जरूरी होगा। किसी मनोकामना पूर्ति के योग हैं। शुभ रंग लाल पीला तथा निषेध रंग काला नीला हरा। कन्या, आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 57%। बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। परिवार और आर्थिक स्थिति के मामले में भी सहजता बनाए रखने के लिए सजग रहना होगा। धैर्य की आवश्यकता है क्योंकि पूर्ण अनुकूल समय नहीं आया है।
रुके हुए कार्यों में प्रगति के योग है। शुभ रंग हल्का हरा धानी तथा निषेध रंग पीला व बसंती। तुला, आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 50%। आपको कार्य से छुट्टी पर जाना पड़ सकता है। कर्मचारियों एवं साझेदारों से कतिपय समस्याएं परेशान कर सकती हैं। जीवन साथी व बच्चों से संबंध सामान्य रहेंगे। कार्यों में आ रही रुकावटों को दूर होने के योग हैं। शुभ रंग सफेद बसंती तथा निषेध रंग काला व नीला। वृश्चिक, आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 78%। अपने विवेक का प्रयोग करें, वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह माने। सफलता प्राप्ति के योग हैं। बाहरी सहयोग से कार्य होंगे। नए कार्य की शुरुआत हो सकती है। दुर्घटना के योग है। शुभ रंग सिंदूरी पीला तथा निषेध रंग हरा व काही। धनु, आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 77%। पेशेवर स्तर पर अपनी क्षमता साबित करने में सफल रहेंगे। नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं। इस समय आपको अपना फोकस बनाए रखने की जरूरत है। भाग्य का सहयोग ना मिलने के योग हैं। शुभ रंग पीला बसंती मस्टर्ड तथा निषेध रंग हरा धानी व काही। मकर, आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 48%। आध्यात्मिकता और योग मानसिक विरगता दूर करेंगे। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की प्रवृत्ति रहेगी। भाग्य का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। आप नए क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रवृत्त होंगे। चली आ रही समस्याओं से मुक्ति के योग हैं। शुभ रंग बसंती तथा निषेध रंग जामनी। कुंभ, आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 49%। विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो उसमें अवरोध आ सकता है। ससुराल में किसी महत्वपूर्ण कार्य की सिद्धि होगी। स्थायी संपत्ति में धन निवेश के योग हैं। आपकी वाणी में कर्कशता अधिक रहेगी। भाग्य वृत्ति के योग हैं। शुभ रंग बसंती तथा निषेध रंग काला। मीन, आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 78%। उपलब्धियों के योग बन रहे हैं। कोई महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध हो सकता है। पुराने दोस्तों के साथ भी समय बीतेगा। घरेलू समस्या से घिरे रहने के योग हैं। शुभ रंग पीला मस्टर्ड बसंती तथा निषेध रंग हरा काही धानी। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय दोपहर 2:06 से दोपहर 3:51 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञानभूषण जी को 0121-266-888 या 0983706-0046 पर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।